ओ भाई साहब, एटेक्स पे भाई क्या ही स्मूथ चलता है भाई, और 4X पे तो और भी तगड़ा चलता है। हे प्रभु, हे प्रभु। यहाँ पे देख सकते हो भाई, काफी तगड़ा यहाँ पे चल रहा है स्नाइपर। तो भाई इस प्रकार से स्नाइपर चलाने के लिए आपको अपना सेंसिटिविटी तगड़ा करना होगा। जी हाँ, आपको अपने डिवाइस के अनुसार अपने सेंसिटिविटी को सेट करने होंगे, देन भाई इंडस गेम में कमाल मचा पाओगे, सिस्टम पार देंगे। ते वीडियो पूरा इसी पे होने वाला है कि आपको सेंसिटिविटी कैसे रखने है, फ्री लुक का क्या सीन है, एंड भाई HIP का क्या सीन है, हिप वाला सेंसिटिविटी। तो हर एक सेंसिटिविटी के बारे में बात करने वाले, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले। वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर जरूर से करना। एंड गाइस यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले फ्री लुक सेंसिटिविटी एंड दूसरा है HIV सेंसिटिविटी, ठीक, हिप सेंसिटिविटी हम बोल देते हैं, ठीक। तो भाई फ्री लुक सेंसिटिविटी में आप अपने आसपास की चीजों को देखोगे, ठीक, लेकिन ये तब देख पाओगे जब आपका मोमेंट होगा, और मोमेंट के लिए आपको हिप सेंसिटिविटी यूज करने पड़ेंगे। जी हाँ, हिप सेंसिटिविटी से ही आपका मोमेंट स्पीड ज्यादा बढ़ेगा एंड अपने आसपास चीजों को जल्दी देख पाओगे, मोमेंट कर पाओगे। बाकी फ्री लुक आप नॉर्मल रख सकते हो 250, आपको जितने रखने, लेकिन हिप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, आपका जितना भाई कंट्रोल मतलब बेहतर होगा उतना आप बढ़ा के रख सकते हो, 200-300 भाई 400 भी रख सकते हो मैक्स। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे प्लेयर हो। और भाई सच बताऊं ना तो एक तगड़े लेवल का प्लेयर बनने के लिए हिप सेंसिटिविटी पे आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, मतलब इस सेंसिटिविटी को यूज करके आप अच्छे खासे प्लेयर मार सकते हो और जल्दी जल्दी मूवमेंट कर सकते हो, जिससे सामने वाले के पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आओगे एंड अपने आसपास जल्दी जल्दी से शॉर्ट रेंज में तो काफी काम आएगा, तो आसपास जल्दी जल्दी से मार पाओगे। इसके अलावा भाई स्नाइपर आपके मेन रोल होने वाले इस गेम के अंदर, क्योंकि भाई स्नाइपर पे भी आपकी पकड़ तगड़ी होनी चाहिए। अब स्नाइपर की क्या सेंसिटिविटी रहेगी इसके बारे में बता देंगे, उससे पहले फायर बटन का जान लो भाई, फायर बटन बहुत काम आने वाला है स्नाइपर में। अगर आप स्नाइपर यूज करते हो, नॉर्मल फायर बटन यूज करते हो, तो भाई आपको दिक्कत होगा, आपके जो फायर है भाई वो रिकॉइल होंगे, लेकिन अगर आप राइट या फिर लेफ्ट वाला फायर बटन यूज करते हो तो वहां पे थोड़े से आपको इंप्रूवमेंट और एम की वहां पे भाई इंप्रूवमेंट दिखने को मिल सकती है। इसके लिए आप सेंसिटिविटी यहां पे बड़ा घटा सकते हो, मैं बोलूंगा 50 से नीचे ही रखना, जितना भी रखना है एटेक्स का 50 से नीचे ही रखना सेंसिटिविटी, एंड 4X का मैं बता रहा। एंड गाइस यहां पे देख सकते हो भाई सेंसिटिविटी बहुत ही मैटर करते हो, अगर आप सेंसिटिविटी अपने कम करते हो, लुक का अगर कम करते हो, तो आपका लुक जो है भाई, यानी कि अपने कैमरा के अंदर कैमरा जब स्कोप करोगे ना, तो भाई वहां पे आपकी लुक की स्पीड कम हो जाएगी जैसे ही वहां पे कम करते हो, एंड अगर उसको बढ़ाते हो तो जल्दी जल्दी चीजों को देख पाओगे। और वहीं साथ ही साथ आपका फायर का सेंसिटिविटी भी मैटर करता है, अगर फायर की सेंसिटिविटी ज्यादा है तो भाई गोलियां रिकॉइल खाएगी, एंड अगर वहीं कम रहता है तो भाई वहां पे काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, और जहां पे आप गोली मारोगे वहीं पे चिपक जाएगा, तो वो काफी ज्यादा मैटर करेगा, ठीक। तो आप लुक बढ़ा सकते हो एंड लुक से आपका कम ही रहना चाहिए, चाहे वो 4X हो 8X हो, इन चीजों में आपका जो लुक है भाई वो थोड़े से बढ़ा सकते एंड फायर जो है उसको कम रख सकते, फायर की सेंसिटिविटी को थोड़े से कम रख सकते, ये काफी ज्यादा मैटर करेगा एंड काफी ज्यादा आपको काम भी आने वाला है। बाकी अगर ये काम ना करे तो भाई आप 2X से ही बंदों को कूट डालोगे भाई, तो कोई ना, तो आप भाई बंदों को भाई 2X भी पीट डालो अगर काम नहीं आता कभी कभी आपकी सेंसिटिविटी तो, ठीक है। 4X की सेंसिटिविटी आप रख सकते हो अराउंड 70-60 के बीच, ठीक है, मैं यहाँ पे बस दिखा रहा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं सारी सेंसिटिविटी अभी चेक करके बता रहा एंड आपको ध्यान रखने भाई 4X की सेंसिटिविटी आप 60-70 के बीच जरूर से रखना, वो बहुत काम आने वाला है, और उससे ज्यादा रखोगे तो आपको कंट्रोल करने में थोड़े से दिक्कत होंगे। कम रख सकते हो, कम किराए मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, बट ज़्यादा मत रखना, ज़्यादा रखने पे आपको बहुत ही दिक्कत आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका स्कोप जा कहाँ रहा है एंड बंदों को मारना कैसे, एंड फायर की सेंसिटिविटी मेंटेन करके रखना वरना बहुत ही दिक्कत होगा। एंड भाई मेन रोल सच में बोलूँ ना इस गेम में सेंसिटिविटी का है तो भाई वो है हिप सेंसिटिविटी का। जी हाँ, हिप सेंसिटिविटी आपका बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है इन शॉर्ट रेंज में, बट अगर बात की जाए लॉन्ग की तो भाई लॉन्ग में आपका 4X एटेक्स बहुत मैटर करेगा, जहाँ पे आपको उल्का वाली अगर भाई स्नाइपर मिल जाती है तो मजे ही मजे, क्योंकि ये एटेक्स पे काफी ज्यादा तगड़ा चलता है, मैंने बेटर वाल में भी इसको चला के देखा था, तो एटेक्स पे काफी ज्यादा तगड़ा चलता है। बाकी मैं बोलूंगा भाई 50-70 के बीच 4X फाइनल बोल रहा, 50-70 के बीच 4X का रख लेना एंड भाई 50 से नीचे रखना जो एटेक्स का रखना, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। बाकी फायर जितना कर सको कम, उसकी सेंसिटिविटी कम कर लेना, लुक थोड़े से ज्यादा रखना क्योंकि वो भाई लुक बहुत काम आने वाले। 2X आप रख लेना 100-90 के बीच, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से मैटर करेंगे भाई, एंड 1X भी आप 100 के भाई अराउंड रख लेना, ठीक। और जहाँ तक बात रहे भाई सेंसिटिविटी मैटर करते हैं भाई, आईफोन वालों या फिर एंड्रॉयड वालों में बहुत ही फर्क है, आईफोन में सेंसिटिविटी वैसे भी पहले से ही हाई रहता है, तो उसमें हाई रहेगा तो बंदे कम भी रखेंगे तो उनका चलेगा, जिनका एंड्रॉयड का भाई लो है तो भाई उनको थोड़े बहुत तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपका भाई डिवाइस कौन सा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि मैं उस चीज़ को भाई बता पाऊँ। अगर आपको सेंसिटिविटी को लेकर कोई दिक्कत होता है तो डिस्कॉर्ड
ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। अब डायरेक्ट भाई ये चीज कहने के बाद डायरेक्ट आके पूछने मत लगना, वीडियो देख लो अच्छे से ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। साथ ही साथ मैं गेम प्ले करके भी दिखा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड भाई देख लो ये 2x की और 1x की भाई जो है ना सेंसिटिविटी बहुत ही मैटर करेगी, क्योंकि मिड रेंज की फाइट आपको सबसे ज्यादा दिखने को मिलेगी शॉर्ट और मिड, बाकी लॉन्ग में तो अभी भाई शायद ही दिखने को मिले उतनी। और लॉन्ग में मिलती है तो स्नाइपर चला सकते हो, एवरेज भी चलाओगे अभी चलेगा ठीक, लेकिन भाई मिड रेंज में और शॉर्ट रेंज में आपको काफी ज्यादा बेहतर बनना पड़ेगा। इसमें आपको ग्राइंडिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, अगर आप ग्राइंडिंग नहीं करते तो टूर्नामेंट भी भाई हार जाओगे, समझ रहे बात को। तो भाई जायरो की भी है तो जायरो की सेंसिटिविटी कल तक उसकी वीडियो आ जाएगी ठीक है, उस पर रिसर्च वगैरह थोड़ा सा करना होगा। एंड बाकी रही इसकी सेंसिटिविटी तो आप अपना भाई एक जाना है यहाँ पे फ्रिंज रेंज पे, ओके फायरिंग रेंज पे सॉरी, तो फायरिंग रेंज पे जाना, वहाँ पे आप अपना ट्रायल ले लेना एंड भाई अपने अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी थोड़े बहुत रख लेना, बाकी मैंने थोड़ी आइडिया दे दी है। एंड भाई ये गेम प्ले है थोड़े से सेंसिटिविटी के बाद, जहाँ पे ये ठीक ठाक चल रहा है, पैर पे एम जा रहा है भैंस की आंख। डोंट यू डेयर कॉल मी बॉट, आई एम नूब। कोई बात नहीं, तो भाई ये क्या कर रहा है, ओए क्या कर रहा है, ओए तेरी की भाई मार गया। बंदा भाई कहाँ पे बैठा था। तो भाई इस प्रकार से ये गेम चलने वाला है और इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा मैटर करेगी तो वो हीप वाली है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग रख लेना। वन थिंग मोर गाइस, अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड है तो भाई मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, आपकी जो हीप सेंसिटिविटी है ना उसको 200 प्लस ही रखना भाई, 200 प्लस रखोगे उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा ना भाई, तो आप भाई अच्छा गेम प्ले कर पाओगे। अगर उससे कम रहेगा तो भाई आपकी मूवमेंट अब काफी वीक रहेगी, जिससे आपको दिक्कत होगा, सामने वाले बंदे इजीली आपको पकड़ सकते और मार सकते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी आईफोन वाले 150 प्लस भी रखे तो चलेगा ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने काफी मैटर करेगा हीप सेंसिटिविटी। बाकी मैंने एटेक्स की बता दी है 50 से नीचे रखना, 4x की भी बता दी है कि भाई 60-70 के अराउंड रख लेना, एंड भाई जो 2x है उसको भाई 80 से 100 के बीच रख लो, 90 भी रखो चलेगा। एंड भाई 1x है वो आपको देख लेना, फायरिंग उसकी थोड़ी सी कम कर देना, बाकी लुक बढ़ा के रखना। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से सेंसिटिविटी इसकी रहने वाली है, कोई दिक्कत हो तो भाई डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखो, बहुत जल्दी लाइव भी आने वाले, सो बाय बाय, एंजॉय करो गाइस।